और मेरे यारे पैरो, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई आज है संडे और मेरा संडे इतना सूखा जा रहा है ना, बस क्या बताऊँ यार। प्लान तो था कल आज राइड पे जाने का, लेकिन राइड पे जाने का सीन ये हो गया ना यार कि मेरे को मैं सोच रहा था इस बार ना सोलो राइड कर लेता हूँ। भाई कई हफ्तों से लगातार मैं ग्रुप राइड कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि इस बार सोलो राइड कर लेता हूँ। और फिर मैंने रात को देख रहा था कि सोलो राइड वगैरह कहाँ करूँ, तो फिर मैंने सोचा सोलो राइड के लिए मैं दिल्ली चला जाता हूँ। यहाँ नियर बाय गुड़गांव की लोकेशन में जाके एक तो बोर हो गया, और दूसरा हर बार सेम लोकेशन पे ना मज़ा नहीं आता। फिर मैं सोचा इस बार दिल्ली चला जाता हूँ, तो मैं दिल्ली के लिए ना राहगिरी देख रहा था यार, है या नहीं है। तो यार काफ़ी देर देखने के बाद मेरे को पता लगा कि राहगिरी का सीन जो है वो अब आज मतलब इस संडे भी नहीं था। अरे यार चाल लेन भाई, ऐसे बात ना। खैर तो इस संडे भी रागरी का सीन नहीं बना यार। फिर मैं सुबह उठा, मैंने सोचा चल सुबह कहीं जाऊंगा, और भाई फिर प्लान ही नहीं बना। फिर अब घर वालों ने काम थमा दिया यार, वही करने जा रहा हूँ। और आज का संडे क्या बताऊँ, इतना मत्था ख़राब हो रहा है ना। पर मैं सोच रहा हूँ कि अपनी शाम थोड़ी स्पेशल बना लेंगे, तो शाम को बढ़िया जगह जाऊँगा, और या तो मैं लॉन्ग ट्रिप कर लेता। तो बट वही था, सुबह लेट भी उठा, फिर मैं मेरे को जाना नहीं था कहीं। मैं सोचा दिल्ली जाऊंगा तो 9 बजे के आसपास निकलूंगा, क्योंकि रागिरी स्टार्ट होता है 10:30 बजे के आसपास। तो मैं कहा 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा, 9 बजे निकलूंगा, 10:30 तक या 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। बट यार रात को फिर मैंने देखा कि यार रागिरी भी नहीं हो रहा इस संडे, तो मैं निकला भी नहीं। बाकी भाई संडे राइड में ना कई सारी चीज़ें हो जाती हैं यार। ग्रुप राइड में जैसे लास्ट काफ़ी संडे से मैं ग्रुप राइड कर रहा था, अब ग्रुप राइड में ना यार सेम चीज़ें होती हैं हर बार ना, लोकेशन बदलते ग्रुप के लोग। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है ना कि मान ले हम 10 लोग हैं, अब 10 में से 4 लोग कह रहे हैं इधर चलते हैं, 4 लोग कह रहे हैं उधर चलते हैं। अब यार क्या करें, 4 को तो मन मारना पड़ेगा, और 4 नहीं भी कह रहे, एक अकेला बंदा क्या करेगा फिर। तो हर बार हम सेम ले, जैसे पिछली बार भी हम लोग अरावली चले गए थे बारिश में, चलो उस संडे मज़ा तो बहुत आया। फिर इस संडे भी तो वही यार, फिर इस संडे कहाँ जाएंगे, नई लोकेशन भी तो वो नहीं कर रहे ना, विज़िट नहीं कर रहे ना। मैं खुद सोच रहा था इस बार नई संडे नया लोकेशन वगैरह विज़िट करता मैं, पर वही है कि भाई ग्रुप में सुनता कोई किसी की थोड़ी है यार, सब अपनी चलाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई। तो फिर इस बार का मैं सोच रहा था सोलो कर लेता, सोलो करने के चक्कर में फिर मैं जा भी नहीं पाया, बल्कि मेरे ग्रुप के सारे लोग तो पहुंच भी गए थे सुबह सुबह ही, सबके मैसेजेस आ रखे थे ग्रुप में। मैंने कहा यार इससे अच्छा इन्हीं के साथ चला जाता, कम से कम घर तो ना बैठता। बाकी तो यार कुछ संडे को ना मैं सोच रहा हूँ कि हर बार हर संडे को ना कुछ तगड़ा और कुछ नया किया जाए, देखो क्या होता है यार। अभी तो मोटो ब्लॉगिंग में कदम रखा ही हमने, मोटो ब्लॉगिंग के कल्चर को बदलेंगे तो समय लगेगा ना कल्चर बदलने में, पहले खुद को बदलना है, उसके बाद ही कल्चर बदला जाएगा गाइस। एक बार अभी इस काम से पहले फ्री हो जाऊं, जो घर वालों ने भेज रखा है उसे ख़त्म करके फिर ज़रा दोस्तों को फ़ोन मारूँ, 2-3 को आएंगे तो ठीक, नहीं तो अपनी सहेलियों को बुलाएंगे, फिर उन्हें तो जब मर्जी बुला लो, सारी वेली है। वो तो कहते हैं घुमा लो, वो तो संडे राइड को भी चलने को तैयार थे, पर मेरा ही फाइनल नहीं हो रहा था। बल्कि इस संडे तो मेरे साथ कोई ना कोई चल जाती, जो कलेक्टिव शिकार थी उनमें से। तो कई सारे काम हो जाते हैं यार, एक तो ना खाली बंदा ना फिर ज़्यादा बिजी भी हो जाता, बंदा सोचता है यार खाली है ना, तो एक काम कर तू सारे ये वाले काम कर ले। तो भाई पानी की लग गई है प्यास मेरी दोस्त को, और अब देखो हम क्या मस्त पानी पीने वाले हैं। आज हम बैग लाना भूल गए। ये पीने का है भी कि नहीं ये भी देख ले, वैसे तो पीने का ये ले जाते हैं यहाँ से लोग भर भर के। तो भाई ये वाला मैं नहीं पी रहा, ये वाला एक्सपीरियंस भी तगड़ा ही होता है ना कभी कभी, कहीं तुम जा रहे हो और तुम्हें प्यास लग जाए और भाई ऐसे पानी पीना पड़े तो मज़े आ जाए, मज़े इसकी भेड़ का मज़े ही मज़े, फुल मज़े। भाई अभी निकल रहे थे रास्ते से, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ क्या देखा मैंने, क्या भयंकर चीज़ देखी भाई। उसे लग रहा है कि हम उसके पास जा रहे हैं, ये देखो भाई क्या भयंकर चीज़ देखी भाई साहब, देख रहे हो, ओवरलोड की वजह से बीच में से भाई टेढ़ा हो गया पूरा पूरा, ये देखो
भाई साहब टूटा कहाँ से है? ओहो वो नीचे से ना एक्सल टूट रखा है भाई। हाँ उसका एक्सल ही टूट गया भाई, तो ये होता ओवरलोड का कितना नुकसान हो गया। देख ले जितने का इसका काम नहीं था ना भाई, इससे ज़्यादा का नुकसान हो गया। कतई बीच में से टूट गया भाई। तो यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा संडे ऐसे ही चला जाएगा यार, क्या बताऊँ मैं, मत्था ही खराब हो रखा है। सुबेर सु शाम होली डोलता डोलता यहाँ संडे खराब हो रहा मेरा यार। भाई आज तो कुछ तगड़ा ही सीन चालू है, देखो क्या हो रखा है, क्या पता क्या तो हो रखा है भाई। तो भाई मुझे लगता है मेरा संडे ना पूरा वेस्ट चला गया एकदम यार, दिमाग इतना खराब हो रखा ना सुबह से भाई। मॉर्निंग में रूटीन तो फेल हो ही गया था, सोचा बाद में यार कहीं चला जाऊंगा, वो भी नहीं हो पाया भाई। घर पड़ा पड़ा इतना बोर हो गया बस क्या बताऊँ आप लोगों को। और फिर एट लास्ट मैंने फिर घर पे बैठ के सीरीज़ देखनी बेस्ट समझी, तो सोचो आज क्या हुआ भाई, पूरा दिन घर पे बैठ के द वॉकर डेड एक सीरीज़ है वो देख डाली। और जेन्युइनली मैं अगर सच बताऊँ तो आज तक अपनी लाइफ में मैंने कोई भी इंग्लिश सीरीज़ नहीं देखी है, हिंदी सीरीज़ देखा करता था मैं, मतलब डब्ड सीरीज़ देखता था मैं, और आज पहली बार डब्ड सीरीज़ मुझे कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड मिल नहीं रही थी। तो फिर मुझे एक ही ऐसी इंटरेस्टेड सीरीज़ मिली द वॉकिंग डेड, वही एक सीरीज़ थी जो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, और फिर वो डब्ड में भी नहीं थी, तो सोचा यार इसी को निपटा लेते हैं। तो आज बैठ के पूरा एक सीज़न मैंने पूरा का पूरा निपटा दिया, इतना बोरिंग डे था आज। और भाई अब बज रखे हैं रात के 10, और मैं कहाँ चला हूँ ये सोच रहे हो तो मैं बता देता हूँ। जो मेरी दोस्त एक्टिवा सिखा रही थी मेरे साथ मिलके जिनको, तो अभी वो उसका फ़ोन आया कि यार आ जाओ पार्टी करते हैं, पेमेंट वगैरह मिल गई है मुझे, क्योंकि कल तो मैं गया था तो मैंने पेमेंट ली नहीं थी। मैंने कहा आज तुम चले जाना और भाई सिखा के फाइनल राउंड अप और पेमेंट लेके घर चले जाना, बट उनका फ़ोन आ गया कि यार पेमेंट तो मिल गया आ जाओ पार्टी कर लेते हैं। मेरा मन तो नहीं था, फिर वो कहने लगे कि हमको फिर आज मतलब नॉर्मली 3-4 दिन बाद टाइम नहीं मिलेगा, वो कुछ एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन चल रही है उनकी, तो बोल रहे हैं आ जाओ अभी निपटा लेते, 1-1.5 घंटा लगेगा आओ। फिर मेरा भी दिन ख़राब हो ही गया था, मैंने कहा इतना ही दिन ख़राब हो गया है तो उसे अच्छा बनाया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, एटलीस्ट एंड तो अच्छी बनाई जाए हैं। ये सोच के फिर मैं अब जा रहा हूँ। और वो कहते हैं ना कि सुबह चाहे कैसी भी हो, दिन चाहे कैसा भी हो, शाम अच्छी चली जाए तो मज़ा आ जाता है, तो वो सीन है। तो अब शाम अच्छी बनाने के लिए जा रहा हूँ भाई मैं, तो थोड़ा जाता हूँ, देखो काम एक्टिव बुलाया है। मैं मेरे को बर्गर ही पसंद है हल्का फुल्का, तो सही बताऊँ अगर सॉफ्ट पार्टी करनी हो तो जा रहा हूँ भाई। पहुँच के फिर देखते हैं क्या क्या सीन है और कौन कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कौन कौन वहाँ। चलो मिलते हैं वहीं। तो भाई मैं पहुंच गया सेक्टर 29, और यहाँ तो भाई आज सैटरडे है ना, संडे है भाई साहब। हाँ संडे फुल पार्टी शार्टी चालू है, ये वाली नहीं है क्या भाई। 29 तो पूरा जगमगा रहा है एकदम। पर हम सीधे साधे वाले का भाई, हम तो पब वब में जाएंगे नहीं, हम जाएंगे मैकडॉनल्ड में। विल गो इन अ मैकडॉनल्ड, यहीं कहीं एक मैकडी था यार, वो रहा ओके, वो सामने मैकडी रहा, हम जाएंगे मैकडी में। बित्तू बित्तू डीन दम अंदर, आफ्टर पार्टी घर के अंदर, घर है देखो बूट वाला बूटी भिगड़ी बगे है। ये रहे मेरे दोस्त भाई, ओके माई कहाँ के बीमारी होगी इसके, क्यों कह रहा है, क्या हाल है, मौज हो रही पूरी। तो चलो भाई यहाँ पार्टी करी जाए थोड़ी सी, चला जाए। तो गाइस पार्टी होगी बहुत भयंकर, और सीन हो गया यार अंदर ना, मैं वीडियो ही बनाना भूल गया। एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो ये लोग अपनी शॉर्ट्स वगैरह बना रहे थे,
तो भाई उस चक्कर में मैं तो अपनी ही वीडियो बनाना भूल गया यार। बाकी भाई कैसा भी हो, संडे कितना भी ख़राब गया हो, एंड तो मेरा बहुत सही चला गया। वो वाली कहानी हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अगर तुम्हारी शाम अच्छी नहीं गई तो समझो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी एक शॉर्ट्स बनाई है, एक गेम खेल रहे थे, जो मेरी फ्रेंड है ना, वो जो एनवलप वगैरह चिपकाती है, उसने अपनी फ्रेंड के साथ एक गेम खेला था। और भाई उस गेम में वो 5,000 रुपये जीत गई, मेरी फ्रेंड हार गई और उसकी फ्रेंड जीत गई। मतलब भाई साहब 5,000 रुपये। उसकी जो शॉर्ट्स है कल सुबह अपलोड होगी 10 बजे, मतलब ये वीडियो अपलोड होने के बाद ये अपलोड होने के तुरंत में ही अपलोड वो शॉर्ट्स भी अपलोड हो जाएगी इंस्टाग्राम पे @bfugians पे। तो भाई अगर देखना हो ना, देखना क्या भयंकर वीडियो बनी है भाई साहब, 5,000 रुपये हार गई वो। बहुत सही चीज़ बनी थी यार, उस चक्कर में ही मैं अपनी वीडियो बनाना भूल गया यार। तो जो भी हो, संडे कितना, अभी तो घर तक पहुंचना है, फिर बताऊंगा क्या सीन था क्या नहीं। तो भाई फाइनली घर पे आ गया और इस टाइम बज रहे हैं 12:10, और मैंने आते ही सबसे पहले अपना ये फाइनल शूट किया कर रहा हूँ, और इसके बाद इसे एडिटिंग पे लगा के अपलोड करूँगा मॉर्निंग में। और वहाँ पे जो पार्टी करी इतनी भयंकर, इतना खाना भर लिया भाई, हद मचा के एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्टी हो गई, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, घर पे आके खाना भी नहीं खा पाया, ऐसी वाली पार्टी हो गई। और अंदर कितनी मस्ती करी हमने, इसकी एक रील अपलोड करूँगा मैं @bfugians पे, नीचे आ रहा होगा, इस पर अपलोड करूँगा, जाके चेकआउट कर लेना। जब ये वीडियो अपलोड होगी आप देख रहे हो, तुरंत चले जाना, आपको तभी मिल जाएगी, बहुत भयंकर। तो अंदर का वीडियो मैं इसीलिए शूट नहीं कर पाया। तो बाकी भाई ठीक है, ऐसे सपोर्ट बना के रखो, मुझे बहुत भयंकर सपोर्ट मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी 600 करोड़ हो गए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमें 3 महीने के अंदर 600+ सब्सक्राइबर्स कर लिए हमने, लिटरली। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का, जो भी मेरी वीडियो का एंड तक देख रहा है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना, वन ऑफ द चैनल मोटो ब्लॉगिंग का, जो बहुत भयंकर चीज़ें लाने वाला है आने वाले टाइम में। खैर गाइस, थैंक यू सो मच, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट क्या करना है मालूम ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी, टिल देन बाय बाय टाटा।